नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूका है सस्सी रेडियो यूट्यूब चैनल पर। आज के हम वीडियो में आपके रीजनिंग के पार्ट नंबर 34 के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपके रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं। जिन्होंने मैथ और रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ा, उनको भी आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप कमजोर स्टूडेंट है, आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैथ और रीजनिंग समझाते हैं। चलिए आज के हम रीजनिंग के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे रीजनिंग का सेशन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के सामने है। देखिए, प्रश्न है ब्लड रिलेशन से, ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे में बहुत पूछे आते हैं। देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान से समझेंगे तभी आप लोग इसको हल कर पाएंगे। देखिए, प्रश्न को पहले समझते हैं। ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है? देखिए, जिन्होंने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा हो तो वो आसानी से समझ जाएंगे कैसे हल करना है। चलिए बताता हूँ। ए तथा बी क्या है? भाई है। ये मान लीजिए आपका क्या है, ए है, ठीक है, ये ए है। ए और आपका बी क्या है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है, भाई हैं। देखिए, जो पुरुष रहते हैं उन पर प्लस रहता है, जो पुरुष रहते हैं प्लस, जो महिला रहती है उस पर क्या रहता है, माइनस रहता है। तो ये दोनों पुरुष हैं, ए तथा बी क्या है, भाई है। ध्यान समझिए, ए और बी क्या है, आपके भाई हैं। सी तथा डी बहने हैं। आपका जो सी, ये मान लीजिए आपका ये डी है और आपका ये सी है, या सी इधर मान लीजिए, डी कहीं भी मान सकते हैं। ये आपका जो है डी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये दोनों क्या है आपस में, ये बहने हैं, ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है आपस में, बहने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला देखिए, ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का पुत्र है, जो ये ए का पुत्र कहाँ होगा, नीचे होगा। ए का जो है ये क्या है, पुत्र है। ए का पुत्र जो है डी का भाई है। ध्यान समझिए, जो ए का पुत्र है, यहाँ पे मान लीजिए उसका कोई सन है, सन मतलब पुत्र होता है, ठीक है। तो ए का जो पुत्र है वो क्या है आपका, ये डी का भाई है, यहाँ प्लस होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ए है, ए का ये पुत्र हो गया और ये क्या है, डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है। ध्यान समझिएगा, तो बी किस प्रकार से संबंधित है, बी किस प्रकार से संबंधित है किससे, डी से। जो आपका ये बी है, ये बी है किस प्रकार संबंधित है डी से। देखिए, ये देखिए, ए क्या है, ये ए का जो है ये पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र, सन जो है ये पुत्र है, और डी का क्या है, भाई है। तो सी का भी भाई होगा, सी का भी भाई होगा, और ये आपकी इनकी बेटियां होंगी दोनों। तो ये दोनों जब आपस में भाई हैं, तो जब इनके ये लड़की है या लड़के हैं, तो इसके क्या होंगे, ये बी और डी का संबंध जो है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, किससे है, चाचा से। बी का डी से क्या संबंध है, आपका चाचा का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आप अगर फिगर बना के हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका देखें तो ये मिसिंग नंबर के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं इस टाइप के, तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, 7, 14 और 4, ठीक है, 4, 12, 9, 6, 24 प्रश्नवाचक। तो आपको यहीं पे पता करना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, यहीं पे पता करना है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो पता कैसे करेंगे दोस्तों, आपका इन दोनों का कुछ करके 4 आ रहा है, इन दोनों का कुछ करके 9 आ रहा है, इन दोनों का कुछ करके क्या आएगा। तो पहले हमको पता करना है 7 और 14 का क्या ऐसा संबंध है जो आपका 4 आ रहा है। तो देखें, तो इसका क्या संबंध है, ध्यान से समझें, खुद से भी एक बार जरूर प्रयास करें। देखिए, 14 को 7 से भाग किया गया, 7 × 2 = 14 हो गया। तो जो ये 2 आया है, इसका हमने वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। उसी अनुसार यहाँ देखें, जो आपका 12 है, हमने 4 से भाग किया, कितना हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, 3 आया। तो जो भाग करने पाया उसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। उसी अनुसार देखें, अगर 24 है, 24 को हम अगर 6 से भाग करते हैं, कितना, 6 × 24 हो जाएगा। तो जो 4 आया, हम इसी 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 16, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जो आपका बीच वाली संख्या है, फर्स्ट वाली संख्या से भाग करना था, और भाग करने पर जो आएगा उसका वर्ग करना है। इसी अनुसार आपको तीनों स्टेप में करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका जो है घड़ी से संबंधित है। आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या आपका कोई भी पुलिस का एग्जाम भी हो गया, तो जरूर देखने को मिलता है। देखिए, ये जो आपका कोण वाला क्वेश्चन है, आपको कंपलसरी देखने को मिलता है। देखिए, कैसे इसको हल करेंगे, 7:30 पर दोनों सूर्यों के बीच कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा,
कोण पूछा है। देखिए कोण मतलब थीटा पूछा है, थीटा मतलब कोण होता है। तो देखिए मैंने इसका एक फार्मूला बताया था, 30h माइनस 11m बाई टू, ठीक है 11। देखिए h क्या है आपका, ये घंटा हो जाएगा, ठीक है घंटा आवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है मिनट हो जाएगा। तो देखिए हमको घंटा कितना दिया, 7 दिया है, और मिनट कितना दिया हुआ है आपका जो है 30 दिया हुआ है। अब हम फार्मूले पे रख के निकालेंगे, देखिए थीटा बराबर क्या हो गया आपका 30, ठीक है एच का मान कितना है 7, ठीक है माइनस, ठीक है ध्यान समझिएगा 11m, देखिए 11m कितना है आपका, मिनट कितना है 30, और बटे में कितना है आपका 2, क्योंकि ये फार्मूले में दिया गया। देखिए घंटा आपका जो ये एच है ये घंटे से संबंधित है, ठीक है देखिए हल करते हैं, इसको गुणा करेंगे 3 × 7 = 21 कितना हो जाएगा 210, माइनस इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 15, तो ये आपका हो जाएगा 11 × 15। देखिए गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 210 माइनस 15 × 15, ठीक है आपका कितना बचा, एक बचा, देखिए 15 × 15 कितना, एक जुड़ेगा 16 165। तो देखिए 210 में से आपका 165 माइनस करिए, ठीक है 210 में से 165 माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से क्या जाएगा 5 जाएगा, 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। यहाँ आपका एक हासिल लेंगे कितना 10, 10 माह से अगर आप देखें 6 जाएगा कितना बचेगा 4, तो आपका एक बचेगा, एक कट जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 210 माह से अगर 165 जाएगा तो आप कितना बचेगा 45 अंश, तो आप कितने का पूर्ण बनेगा 45 अंश का, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच आपका जो है 45 अंश का जो है आपका कोण बनेगा। आप ये फार्मूला याद रखिएगा, 30h माइनस 11m बाई टू, कहीं भी पूछता है किसी भी एग्जाम में, कोई भी आपका एक कोण पूछता है दो सुइयों के बीच, आप इस पे रख के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनको आंसर नहीं पता हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग उस पर जाइएगा तो पार्ट नंबर 33 आप लोग देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा, इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मैं तो लिंक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के आपको और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।